मोजाई जिले के नील बागान खेल के मैदान में बीजेपी के सभा में असम राज्य सभापति रंजीत कुमार दास संख्या लघु मोर्चा के राज्य सभापति मुक्ताब हुसैन खान के साथ उप सभापति तौफिक रहमान और होजाई जिले के बीजेपी दल के सभापति अर्जुन दत्त सहित बड़े बड़े नेताओं ने भाषण दिया और इस दौरान कई विषयों पर बात की गई। इस सभा में खास तौर पर उपस्थित रहे केंद्र के रेल मंत्री राजेंद्र गोहाई, परिमल शुक्ल वैद्य, ममिनुल आवाल और नजमुन हक लश्कर विलाल उद्दीन ने अपने अपने भाषण में अपने अपने मुद्दे की बात रखी। आपको बता दें कि इस सभा में राजेंद्र गोहिन ने बीजेपी सरकार के बारे में गुणगान किया। उन्होंने अपनी सफल योजनाओं के बारे में तारीफ की। उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी सरकार लगातार विकास कर रही है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार की आलोचना भी की और बताया जा रहा है कि हालांकि इस दौरान काफ़ी मुद्दे स्थानीय मुद्दे थे जिसका जिक्र इस सभा में नहीं हो सका। রাজনৈতিক দল যেটো রাজনৈতিক দলে ভোটর চিন্তা কই উপরত কই রাইজর উন্নয়নের কথা চিন্তা করে। আজ ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে সরকারে যাক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে উন্নয়নের কারণে, যাক আসনি গ্রহণ করেছে, সেই আসনির দ্বারা আটাইতো সর্বাধিকভাবে বিগত সরকারবিলাকৰ তুলনাত সংখ্যালঘু জনসাধারণ উপকৃত হয়েছে। ইতিহাস এনেকুৱা নজির নাই যত সরকারি উদ্যোগত কোরবাত এখন এলপি স্কুল বনাই দিয়ার নজির নাই, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হওয়ার পিছত হোজাই ডবকা से जितेन शर्मा के साथ कमल बेजवारवा की रिपोर्ट।